अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल मरियम्स रेसिपी और आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला केक, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो हम उसके लिए बना रहे हैं। तो फिर जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अंडे। इनको मैंने अच्छे से करना है बीट ताकि ये थोड़े से फ्लफी हो जाएं। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इनको बीट करना है। अंडे अच्छे से बीट हो चुके हैं तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है शुगर पाउडर 2 कप और इसको अच्छे से बीट कर लेना है। जी तो ये बिल्कुल अच्छे से बीट हो चुके हैं और क्रीम के फॉर्म में हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमने इनको छान लेना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया स्टेनर। इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून और साल्ट जस्ट 1 पिंच। साल्ट हमने बस इसके टेस्ट को बैलेंस रखने के लिए ऐड करना है। अब इनको हम छान लेंगे। जी तो अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने इनको थोड़ा थोड़ा करके जो हमने अंडे और चीनी को बीट करके मिक्सर बनाया था उसके अंदर ऐड करना है, एकदम सारा नहीं करना। फिर इसको अच्छे से बीट करना है। तो ये बीट हो चुका है तो अब हमने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा दूध। अब ये प्रोसेस मैंने 2 से 3 दफ़ा रिपीट करना है। पहले जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, उनको अच्छे से बीट करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, फिर उसको बीट करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस जस्ट 1 ड्रॉप और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे। और यहाँ पर ली है मैंने बेकिंग ट्रे, इसको अच्छे से पहले ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। आपने इसके साइडों को भी बिल्कुल अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस करना है। और अब इसके अंदर हम रख देंगे बटर पेपर। इसकी साइडों पर भी बटर पेपर लगा देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे केक का रेडी किया हुआ बैटर। आप लोग चाहें तो इसको किसी पतीले या फिर पैन में बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आज एक माइक्रोवेव में ही बना रही हूँ। माइक्रोवेव को मैंने यहाँ पर प्रीहीट कर लिया है। इसके अंदर जो हमने बैटर रेडी किया है वो रख देंगे। तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर ही केक हमारा रेडी हो जाएगा तो अब इसको बंद कर देते हैं। जी तो यहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके हैं और केक को मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, ये टूथपिक के साथ बिल्कुल नहीं था लग रहा, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब ये जो इसके टॉप पे ऊपर लेयर थी एक, उसको मैं उतार रही हूँ ताकि इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ मैं अच्छे से। अब हम इसका बटर पेपर उतार लेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन कलर आया हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ पर नाइफ के साथ इसकी कटिंग नहीं कर रही क्योंकि आप लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि हम लोग नाइफ के साथ एक कटिंग करें और वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ धागा। धागे को आप अच्छे से केक की साइडों पर लगाएं बिल्कुल गोल शेप में, ऊपर नीचे ना हो, एक प्रॉपर वे में लगाओ और फिर इसको ज़ोर से ऐसे खींचें तो ये बिल्कुल आपके परफेक्ट जो हैं लेयर्स वो बन जाएंगी।
ये देखिए आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनेंगी। आप लोग जितनी लेयर बनाना चाह रहे हैं आप लोग उतनी लेयर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी 3 लेयर बनाना चाह रही हूँ तो मैं 3 लेयर्स बनाऊंगी। अब यहाँ पर लिया मैंने व्हीपिंग क्रीम 1 कप। इसको हमने अच्छे से बीट करना है तब तक जब तक ये थिक नहीं हो जाती, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। ये तो क्रीम हमारी अच्छे से बीट हो चुकी है। मैं यहाँ पर आपको बॉल उल्टा करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नीचे नहीं गई थी, इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हुई है। और अब हम तैयार करेंगे केक के ऊपर लगाने के लिए सीरम। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून शुगर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं, और दूध वैसे पानी के नस्बत ज़्यादा बेस्ट होता है, आप लोग वही यूज़ कीजिएगा। गर्म दूध लीजिएगा, उसके अंदर 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कीजिएगा और उसके साथ इसको कोट कीजिएगा। सेम रेडी हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर लिया है केक की लेयर, उसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। इसके किनारों को भी हमने अच्छे से कोट करना है ताकि वो हार्ड ना रहे। और अब हमने इसके ऊपर लगा देनी है व्हिपिंग क्रीम और इसको सेट कर देना है। आप इसको रफली भी सेट कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर दूसरी लेयर लग जानी है। और अब हम दूसरी को भी ऐसी रेडी कर लेंगे, उसके ऊपर वाले सीरम लगाएंगे और फिर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। और इसके ऊपर अब हम रख देंगे 3rd लेयर और इसके ऊपर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जी। तो इस सारे केक को मैंने रफली व्हिपिंग क्रीम के साथ कोट कर लिया है। तो अब मैं इसको रखूंगी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में ताकि जो क्रीम है थोड़ी सी और हार्ड हो जाए, फिर इसको सेट करने में हमें आसानी होगी। 10 से 15 मिनट हो चुके थे इसको फ्रीज़र में रखे हुए। तो अब यहाँ पर लिया है मैंने इस तरह का सिम कार्ड, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है वो जो हम लोग स्ट्रिप्स यूज़ करते हैं इनको केक को डेकोरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर सिंपली सिम कार्ड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी कोई हार्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ अब हमने केक को अच्छे से सेट कर लेना है, इसको शेप दे लेनी है जी। तो केक को शेप मैं दे चुकी हूँ, अब हमने इसके ऊपर करनी है डेकोरेशन। तो जो हमारी व्हिपिंग क्रीम बच गई थी व्हाइट वाली, मैं थोड़ी सी पहले सेपरेट कर लूँगी। यहाँ पर लिया है मैंने एक पाइपिंग बैग, इसके फ्रंट साइड में मैंने नोजल लगाई हुई है। आप लोगों को जो डिज़ाइन बनाना हो आप लोग उस टाइप की नोजल ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी व्हिपिंग क्रीम, और जो बाकी व्हिपिंग क्रीम बच गया है उसके अंदर हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है और उसको अच्छे से बीट कर लेना है। एकदम सारा फूड कलर ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा, आपको जिस टाइप का कलर चाहिए डार्क या लाइट उस हिसाब से। अब इस पॉइंट पर आके मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है शुगर पाउडर। शुगर पाउडर हमने इसलिए ऐड करना है क्योंकि आप जब कोई भी फूड कलर यूज़ करते हैं व्हिपिंग क्रीम के अंदर तो उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर शुगर पाउडर ऐड कर रहे हैं। और अब हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस रंग की मर्जी कर सकते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा रेडी हो चुका है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं ये कैसा बना है। जी तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स कितनी परफेक्ट बनी है और ये देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। तो इसको टेस्ट करके बताते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत ही मज़े का बना है और ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है जैसे बाजार के केक होते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और मेरी तरफ से सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।